हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 17 मई 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरे द्वारा पढ़ने के लिए, मैं अनअकैडमी ऐप पर एक एजुकेटर हूँ जो कि राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। इंडिया साइंड द क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन इन पेरिस। द एग्रीमेंट केम इन द बैकड्रॉप ऑफ द अटैक ऑन मॉस्क्यूज इन मार्च एंड इज एम्ड एट स्टॉपिंग द अब्यूज ऑफ द इंटरनेट बाई एक्सट्रीम्स। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाई अजय प्रकाश स्वैनी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत ने पेरिस में क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता मार्च में मस्जिदों पर हुए हमलों की पृष्ठभूमि में आया था और इसका उद्देश्य चरमपंथियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकना है। भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी ने किया है। नेक्स्ट, द वेबसाइट ऑफ द लोकपाल www.lokpal.gov.in हैज बीन लॉन्च्ड। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय चेयरपर्सन जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष इन प्रेजेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इन न्यू दिल्ली। इट प्रोवाइड्स बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द एंटी करप्शन अम्बुडम। लोकपाल की वेबसाइट www.lokpal.gov.in लॉन्च कर दी गई है। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में लोकपाल के सभी सदस्यों की मौजूदगी में चेयरपर्सन जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने किया। यह भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के कामकाज और कार्य पद्धति के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट, कैप्टन आरोही पंडित, ए 23-year-old पायलट फ्रॉम मुंबई, बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस द अटलांटिक ओशियन सोलो इन ए लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट LSA। सी अचीव्ड द फीट व्हेन सी लैंडेड हर टिनी एयरक्राफ्ट एट इक्वेट एयरपोर्ट इन कनाडा आफ्टर ए ग्रूइलिंग 3,000 किलोमीटर लॉन्ग फ्लाइट अंडर एडवर्स एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। मुंबई की एक 23 वर्षीय पायलट कैप्टन आरोही पंडित एक लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट LSA में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। प्रतिकूल और चरम मौसम की स्थिति में ग्रीनलैंड और आइसलैंड में संक्षिप्त रूप से रुकने के साथ विक स्कॉटलैंड से टैक ऑफ के बाद 3,000 किलोमीटर लंबी उड़ान भर उन्होंने कनाडा में इकालुइट हवाई अड्डे पर अपने विमान को उतार कर यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट, नेपाली शेरपा क्लिम्बर कामी रिता हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर ए 23rd time, ब्रेकिंग हिज ओवन रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट सक्सेसफुल असेंट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। ही फर्स्ट स्केल्ड एवरेस्ट इन 1994। ही रीच्ड द 8,850 meter समिट विद अदर क्लिम्बर्स वाया द साउथ ईस्ट राइड रूट। नेपाली शेरपा पर्वतारोही कामी रिता ने 23वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के सबसे सफल पर्वतारोही के रूप में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वह दक्षिण पूर्व रिज मार्ग से अन्य पर्वतारोहियों के साथ 8,850 meter के शिखर पर पहुंची है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज ग्रेटेड द पीपल ऑफ सिक्किम ऑन दियर स्टेटहुड डे। इट वॉज ऑन 16th May 1975 दैट सिक्किम ऑफिशियली मर्ज विद द इंडियन यूनियन एंड बिकम द 22nd state ऑफ द कंट्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिक्किम के लोगों को उनके राज्य दिवस पर शुभकामनाएं दी है। 16 मई 1975 को सिक्किम का आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में विलय हो गया था और यह देश का 22वां राज्य बना था।
आइए बात करते हैं बैंकिंग, बिजनेस और इकोनॉमिक न्यूज, बैंकिंग, व्यापार और अर्थव्यवस्था समाचार की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड ए विजन डॉक्यूमेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2020-2021 विद इट्स कोर थीम ऑफ एम्पावरिंग एक्सेप्शनल ई पेमेंट एक्सपीरियंस फॉर एंश्योरिंग ए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट, क्विक एंड अफोर्डेबल ई पेमेंट सिस्टम। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सुरक्षित, निरापद, सुविधाजनक, त्वरित और किफायती ई भुगतान प्रणाली के लिए एम्पावरिंग एक्सेप्शनल ई पेमेंट एक्सपीरियंस के मूल विषय के साथ दृष्टि दस्तावेज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2019-2021 जारी किया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डाटा, इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट कंबाइनिंग मर्चेंडीज एंड सर्विसेज इन अप्रैल 2019 इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड $44 बिलियन विद ए पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 1.34% ओवर अप्रैल 2018। ओवरऑल इम्पोर्ट इन अप्रैल 2019 इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड $53 बिलियन विद ए पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 4.5% ओवर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ 2018। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2019 में भारत के समग्र निर्यात व्यापारिक और सेवाओं के संयोजन अप्रैल 2019 में 1.34% की सकारात्मक वृद्धि के साथ लगभग $44 बिलियन होने का अनुमान है। अप्रैल 2019 में कुल आयात लगभग $53 बिलियन होने का अनुमान है, जो 2018 की इसी अवधि में 4.5% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। नेक्स्ट, टू गिव ए फ्लिप टू डिजिटल लैंडिंग, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी हैज पुट टुगेदर ए पायलट स्कीम टू एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू ₹10 करोड़ टू न्यू एज फिनटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFCs एंगेज्ड इन फाइनेंसिंग स्मॉल बिजनेस एंड अदर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। डिजिटल ऋण देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने छोटे व्यापारियों और अन्य आय पैदा करने वाली गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए नए युग की फिनटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों NBFC को ₹10 करोड़ तक की वित्तीय सहायता देने के लिए एक पायलट योजना बनाई है। नेक्स्ट, द होम मिनिस्ट्री हैज कैंसल्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बेंगलुरु बेस्ड NGO इंफोसिस फाउंडेशन फॉर एलिगेटेड वायोलेशन ऑफ नॉर्म्स इन रिसीविंग फॉरेन ग्रांट्स। ऑल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ और FCRA टू रिसीव फॉरेन फंडिंग। गृह मंत्रालय ने विदेशी अनुदान प्राप्त करने में मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए बेंगलुरु स्थित NGO इंफोसिस फाउंडेशन का पंजीकरण रद्द कर दिया है। सभी गैर सरकारी संगठन NGO का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम या FCRA के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। नेक्स्ट, IT सर्विसेज फर्म टेक महिंद्रा एंड फ्रेंच डिजिटल कंटेंट पब्लिशिंग फर्म रॉकटॉन एक्वापोर्टेस साइंड एन MOU टू कोलैबोरेट ऑन बिल्डिंग एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफरिंग्स। IT सर्विसेज फर्म टेक महिंद्रा और फ्रेंच डिजिटल कंटेंट पब्लिशिंग फर्म रकुटेन एक्वाफेड्स ने निर्माण ग्राहक अनुभव प्रसाद विस्तृत करने में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। तो ITC मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हिज न्यू डेजिग्नेशन विल नाउ बी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ही हैज बीन द मैनेजिंग डायरेक्टर सिंस 2018। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड इन December 2015 एंड एज द CEO इन February 2017। ITC के प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका नया पदनाम अब अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होगा। वह 2018 से प्रबंध निदेशक है। उन्हें दिसंबर 2015 में बोर्ड में और फरवरी 2017 में CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। और नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार। चाइना हैज बिकम द सोल कंटेंडर टू होस्ट एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 आफ्टर साउथ कोरिया हैज अनाउंस टू विदड्रॉ इट्स बिड टू होस्ट द गेम। द कोरिया फुटबॉल एसोसिएशन अनाउंस्ड दैट इट हैड पुल्ड आउट टू स्ट्रेटेजिकली फोकस ऑन ए जॉइंट बिड विद नॉर्थ कोरिया टू होस्ट द वुमेन्स वर्ल्ड कप इन द सेम ईयर। दक्षिण कोरिया ने खेल की मेजबानी के लिए अपनी बोली को वापस लेने की घोषणा के बीच बाद चीन 2023 में एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला
एकमात्र दावेदार बन गया है। कोरिया फुटबॉल संघ ने घोषणा की है कि वर्ष 2023 में ही महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए उत्तर कोरिया के साथ संयुक्त बोली पर रणनीतिक रूप से अपना नाम वापस ले लिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर से सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।